ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या बात है, किस्मत वालों को मिलता है ऐसा प्यार। मुझे भी ऐसा ही चाहिए जिसमें इतनी ताकत हो कि वो मौत तक को भी हरा दे। वैसे गाइस हमारे सीट नंबर्स क्या हैं? वो मामी हमने रियलाइज ही नहीं किया, सिर्फ दो सीट साथ में, बाकी सब अलग अलग है। तो ये दो आपकी और मामी की। मैं भी यही कहने वाला था, अब इतने महीनों बाद मिल रहे हैं तो इतना तो बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जब भगवान जी ने आप दोनों को मिला तो फिर हम कौन होते अलग करने वाले। तो और मिल जाते साथ में तो मुझे और कार्तिक को भी अलग अलग नहीं बैठना पड़ता। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? एक्सक्यूज मी मैडम, सॉरी, शायद मैंने ठीक से रखा नहीं था। नायरा बेटा, सबकी सीट अलग है, देखो अगर कोई एक्सचेंज करता है तो तुम और गायू। नहीं नहीं पापा, मुझे वैसे भी बस सोना ही। काश सीट साथ में होती, अच्छा ही हुआ कि सीट अलग अलग है, नहीं तो मेरी शक्ल देख के कोई लोग पूछ ही लेता कि क्या हुआ है। ठीक ही हुआ सीट अलग है, वरना साथ होके तो मैं और भी बेचैन रहता बात करने को। आपका डर, आपको इसे काबू में करना चाहिए। बाहर देखिए कितनी खराब है आप। अच्छा ठीक, तो मैं उतर जाऊँ, अगली फ्लाइट लेकर आ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत आप। बरसों से हम इस बात को लेकर कितना लड़ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट टू यू मेरी बीवी बैठी है, क्या आप सीट एक्सचेंज कर सकते हैं? दैट साइड। ओके। कृपया ध्यान दें, कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है, कसने के लिए इस तरह और पेटी खोलने के लिए क्लैंप को इस तरह उठाया जाता है। नैतिक में लगा लूंगी। खुशबू की हो ढंगे
लाइफ सेवर तो मेरे पास है। क्या नैतिक आप भी? केबिन में हवा के दबाव में तंग होने पर मैकेनिक आप स्वयं नीचे आ जाएंगे, अपने स्थान पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करें। प्लेन को कुछ हो ना हो लेकिन मुझे ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ेगी जरूर। सांस बंद, दिल जैसे धड़कना बंद। जब तक ये नहीं पता चल जाता कि मैडम के मन में क्या चल रहा है तब तक चैन नहीं आएगा। सर वाटर। I love you, Nair. शायद जब पहली बार कहा था तुमने मेरी बात सीरियसली नहीं ली। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने किसी वीक मोमेंट में आके कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए अभी रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन दिला सकूँ कि जो कहा वो सच था और सच है। I really love you. याद है जब मैंने कहा था कि I love you all वाला पार्ट छूट था। I love you much. वो याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि कॉफी चाहिए या कुछ और मैंने कहा था तुम, वो भी सच था। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वो सारी बातें सच थी, है ना? बस उस वक्त तुम्हें मजाक लग रही थी। एक्चुअली उस वक्त मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की, पर अब कह दिया। I really love you now. मुझे वॉशरूम जाना। सॉरी। मुझे जाना है। मैंने कहा ना जाने दो। नहीं। कहाँ जाना है तुम्हें? कहीं नहीं जाना। झूठ बोल रही हो। भाग रही हो ना मुझसे? और भाग के मिलेगा क्या? सिर्फ हो रही हो, आ कुछ नहीं रही। जब से देख रहा हूँ बस भागी जा रही हो। पीटी उषा समझती हो क्या अपने आप को? मुझसे दूर भागोगी ना तो मुझे खो दोगी। तुम अगर पीटी उषा हो ना तो मैं भी फ्लाइंग सिक हूँ। जहाँ जाओगी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा और तुम्हारा रास्ता रोक लूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।